लो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई आज अपने सामने है हॉर्नेट 2.0। भाई आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले इसके लाइटिंग सेटअप के बारे में। डे में नहीं, दिन में कैसी विजिबिलिटी है इसको दिखाने के लिए मैं डे में शूट कर रहा हूँ। और भाई माहौल देखो आसपास का, ये ग्रीनरी बारिश के बाद काफ़ी अच्छा माहौल है। और बात करें अपनी गाड़ी की, भाई ये दिन में दिखाने जैसी चीज़ है, क्योंकि दिन में भी इतनी मतलब का गाड़ी इतनी बढ़िया दिखती है। देखने का कहने का मतलब, ये देखिए इसकी हाई बीम चालू करूँ मैं, देखो हाई बीम लाइट काफ़ी स्टाइलिश है इसकी। फ्रंट की बात करें तो, और ये इसके हजार्ड लैम्प, एक्चुअली ये भाई नाइट में भी थ्रो बताऊंगा, इसलिए वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई सपोर्ट चाहिए मेरे को आप लोगों का। और बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, ये देखिए गाड़ी मेरी चल चुकी है 5678 किलोमीटर्स। ये इसका गियर इंडिकेटर, ये इसके आरपीएम मीटर, ये इसका टोटल स्पीड। मतलब बात करते हैं रियर की, रियर में भी गाइस काफ़ी अच्छा है लुक इसका। ये जो टेल लैंप है काफ़ी दूर तक दिखती है, ऐसी बात नहीं है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक इसकी हेडलैम्प दिखती है ये वाली, कि हाँ भाई कोई गाड़ी जा रही है। ये इसके इंडिकेटर्स, काफ़ी बढ़िया लुक है गाड़ी का। और अभी तो दिन दिन में दिखाने जैसी चीज़ थी इसलिए दिखाई है। चलते हैं नाइट की तरफ। तो भाई अब हो चुकी है शाम, ये है दिन वाली वीडियो का कंटिन्यूशन है। अब ये देखो लाइट में, रात में इसके लाइट्स का लुक दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए इसका डे टाइम रनिंग DRL है, दिन में भी काफ़ी अच्छा चलता है और रात को भी काफ़ी किलर लुक देता है। अब इसके ऑडोमीटर तो आपको दिन में दिखाई था, वही है। ये देखिए ये इसके लाइसेंस प्लेट भी, लाइट भी LED है, ये लाइट भी LED है, सब पूरा सेटअप टोटली LED सेटअप है। कहीं पे भी आपको हेलोजन बल्ब का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं मिलेगा। इंडिकेटर की बात करें तो एक बार आपको इंडिकेटर भी चला के दिखाता हूँ रात में। ये देखिए इंडिकेटर भी पूरे LED है और काफ़ी अच्छे जलते हैं, ये देखने मतलब एक्सपीरियंस करने जैसी चीज़ है। ये देखिए अब भाई मैं इसको मेन हेडलाइट दिखा देता हूँ, जिस चीज़ के लिए आप आए हैं। ये देखिए ये इसका लो बीम, ये इसका हाई बीम, भाई काफ़ी वेल डिफाइंड थ्रो है इस गाड़ी का। जैसे आप अभी ये थोड़ा मतलब घास टाइप एरिया है, पर फिर भी आप देख सकते हैं कि इसमें लाइन जा रही है दोनों साइड से, इस साइड से भी इस साइड से भी, और सेंटर में फोकस हाई बीम का ही है। अब दूर तक देखेंगे तो दूर तक इसका थ्रो है, ये देखिए वहाँ तक आगे तक जहाँ तक झाड़ियाँ हैं आगे वाली वहाँ तक इसका थ्रो है। वो कैमरा इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा है। और भाई ये तो हो गई इसकी सब पॉजिटिव बातें। इस गाड़ी का एक ही ड्रॉबैक है, एक ही नुकसान मतलब इसकी LED लाइट्स का है, कि सामने से जब गाड़ी आती है तो इस गाड़ी का थ्रो काफ़ी वीक हो जाता है। मतलब थ्रो तो वही रहता है, पर सामने वाली गाड़ी का थ्रो अपनी आंखों पे इतना हो जाता है कि इसका थ्रो अपन को दिखता नहीं है। सामने वाली गाड़ी डीपर देती है, सामने जो गाड़ी वाला है वो डीपर देता है इस गाड़ी पे, इस गाड़ी की लाइट पड़ते ही कि भाई लाइट बहुत पावरफुल है, लो बीम कर लो। हालांकि हाई बीम पे चलाना ही नहीं चाहिए, ज़रूरत भी नहीं इसके हाई बीम की। जैसे लो बीम पे भी काफ़ी अच्छा इसका थ्रो है, देखिए सफिशेंट थ्रो है लो बीम पे भी। हाई बीम तो जैसे इतनी ज़रूरत भी नहीं है, नहीं भी चलाएंगे तो भी चलेगा हाई बीम। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हाई बीम कम ही यूज़ करा करें, क्योंकि हॉर्नेट की लाइट पावरफुल है, सामने वाले को लगती है, बातचीत ऐसी है। और हेजार्ड लाइट भी मैं सिर्फ शूट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी इसको कभी ट्राई मत। मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ, इसकी लो बीम आप देख सकते हैं, हाई बीम की अपन को ज़रूरत भी नहीं है, ये सिर्फ डीपर के लिए है। हाईवे पे अगर कोई मतलब अपनी लाइट का ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है, लाइटें दिखा रहा है अपनी, तो आप इसको हाई बीम करके चमका सकते हैं, क्योंकि आपकी हॉर्नेट की लाइट काफ़ी तेज है। ये देखिए लाइट का प्रोजेक्शन देखिए आप, लो बीम में भी काफ़ी अच्छी चलती है। अब भाई देखो जैसे कि ये थ्रो है, अब जो जो फ्लोरिंग पे मतलब जहाँ जहाँ रोड है वहाँ वहाँ थ्रो है। अब जैसे आगे टर्न है ना, पूरी रोड इल्यूमिनेट कर रहा है, और काफ़ी जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ पर बेहतरीन थ्रो है इस गाड़ी का।
लाइन देखो, अब इधर आपको लाइन भी दिख रही होगी, एग्जैक्ट लाइन ही है, और जहाँ टर्न है वहाँ तक रोड पे लाइट जा रही है, ऊपर लाइट नहीं जा रही है। अब जैसे हाई बीम करूँगा ना मैं, हाई बीम ऊपर जा रही है, जहाँ अपन को इल्यूमिनेशन चाहिए वहाँ गाड़ी का है, ऊपर आँखों पे इल्यूमिनेशन नहीं है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।